तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी को और पता है फ्रेंड्स आज क्या हुआ, हस्बैंड जी से मैंने बोला कि जो छाछ होता है ना, तो भैया है ना मेरे पास घर में, तो भैया बोला छाछ बहुत पसंद है, मतलब मट्ठा, गांव का मट्ठा तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो ये वाला मट्ठा लेके आए थे, पता पूरा बर्फ की तरह जमा हुआ था। और फिलहाल अभी तो अभी इसमें भी बहुत सारा बर्फ है, देख लीजिएगा इसमें बहुत अभी बर्फ है इसमें फ्रेंड्स, पर अभी ठीक हो गया है। तो फिलहाल बच्चों ने मतलब भैया भाभी भैया को तो मैंने पहुंचा दी है, बाद में जो खाने पीने के बाद में भी देखिए इधर उधर मेरा सामान फैला हुआ है और चार पे भी छत पे झाड़ू में मतलब झाड़ू पोछा के लिए निकाल लेती हूँ। और हाँ गाइज कपड़े में हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं बहुत अच्छी हूँ, रिंकी फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बताइए कैसे हैं आप सभी, कॉमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे हैं आप सभी। आई होप के सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं अब मिल रही हूँ मॉर्निंग से आपको, शाम को मिल रही हूँ क्योंकि दिन में ना मेरा मतलब मन नहीं किया वीडियो बनाने का। वीडियो क्या गाइज, फिर वही प्रॉब्लम है ना कि रिंकी रोती है रहती है फिर, तो ऐसा नहीं है, मतलब क्या हुआ ना मन भी ठीक नहीं था, इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। तो बस शाम का टाइम है गाइज, मतलब काफ़ी मतलब शाम 7 साढ़े 7 बज चुके होंगे, तब से मैंने फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं खाने में यहाँ पर बना रही हूँ सब्ज़ी, तो मैंने सब्ज़ी वैसे दोपहर को कट करके रख दी थी, तो मेरा क्या हुआ ना मैं सो गई थी, तो जब मैं सो जाती हूँ ना फ्रेंड्स तो मेरे ना आधी साइड में दर्द हो जाता है, मतलब पूरी आधी बॉडी में ना पेन हो जाता है बहुत ज़्यादा से, मुझे अकड़ाहट होती है ना इस टाइप में हो जाती है। तो मैं सब्ज़ी में यहाँ बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी फ्रेंड, तो मिक्स सब्ज़ी में क्या बना रही हूँ, गोभी जो होते हैं ना फूल गोभी, वो रखा था मेरे पास, 3-4 सब्ज़ियाँ रखी थी और फ्रिज ख़राब है, तो इस वजह से है ना, अब वैसे भी फ्रेंड ठंड है तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा ख़राब होने का डर भी नहीं है। तो फिलहाल मैंने बच्चे खाना भी ज़्यादा नहीं खा रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा चलिए क्यों ना थोड़े मतलब बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा सा खाना बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना लगता है शिमला अगर खाली बना दूँ तो बच्चे नहीं खाते हैं, अगर बैंगन बना दूँ तो नहीं खाते हैं, और गोभी बस थोड़ा पसंद करते हैं, और कैरेट भी। तो बस मतलब गाजर भी रखी थी मेरे पास, शिमला गोभी और कुछ मशरूम भी थे, मतलब एक पैकेट मशरूम था, तो वही मैंने कट करके 2 आलू डाल करके मैंने वो बना दिए फिलहाल। और साइड में मैंने बना दी खिचड़ी, क्योंकि बेटे को ना खिचड़ी खानी थी और हस्बैंड को भी खिचड़ी खानी थी, तो बस यहाँ पर। और मैंने खिचड़ी में क्या इसकी कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं खिचड़ी में सिर्फ 1 गिलास खिचड़ी बना रही हूँ मैं, और उसमें मैंने डाली आधी कटोरी काली दाल, जो उड़द की दाल होती है ना, बस उसको अच्छे से मैंने साफ़ करके रख दिया कुकर में, उसमें मैंने 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, और उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है ताकि उबले ना वो और अच्छे से खिले खिले खिचड़ी हो जाए हमारी। और उसमें मैंने ना एक अदरक का टुकड़ा भी कट करके डाला था, उससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है खिचड़ी में, आप भी ज़रूर बनाना फ्रेंड्स ऐसे। तो बस मैं ना दही भी लेके आए थे रात को हस्बैंड, तो बस वो दही मैंने लोटे में करके रख दिया, तो मेरे यहाँ लोटा बोला जाता है उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने रख दी है गैस नीचे उतार के, क्योंकि क्या हुआ ना मेरे ना मैंने जैसे आपको बताया कि पेन ज़्यादा हो रहा था बॉडी में, तो बस भाभी मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं, तो यहाँ पर आटा लगा दिया, बच्चे बोलने लगे पूड़ियाँ चाहिए हमें, तो मैंने चलो पूड़ियाँ दे देते हैं बच्चों को बना के यहाँ पे, तो भाभी अब सबको खाना ना सर्व करके दे रही हैं। तो बस भाभी बहुत हेल्प करती है मेरी, सुबह ही उठ जाती हैं, तो यहाँ पर बैठे बैठे मैं पूड़ियाँ तलती रहूँगी। और फ्रेंड्स हाँ अभी आ जाइएगा और खाना खा लीजिएगा सभी, तो यहाँ पर बच्चे बोल रहे कि आज हमें ना पूड़ी चाहिए, दिन भर हम ऐसे ही रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स रहती है बच्चे सुबह सुबह चाय ब्रेड वगैरह दूध ब्रेड जो भी होता है वो खा के चले जाते हैं, इतना मतलब पेट भी नहीं भरता उनको, दोपहर को आते हैं बच्चे 2-2.5 बजे आते हैं बच्चे, तो इतना नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड चलिए अगली नेक्स्ट मॉर्निंग में आपसे यहाँ पर मिल रही हूँ मैं, तो देख लीजिएगा, और जल्दी उठ जाती हूँ और जल्दी ना उठूँ तो फिर काम मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी देखिए काफ़ी हवा चल रही है और थोड़ी सी धूप भी निकल के आ गई है, क्योंकि जहाँ पर मेरे कर्टन्स लगे ना वहाँ पर थोड़ी हल्की धूप निकल के आ जाती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ फ्रेंड्स, अभी 7:30 हो गया होगा, हाँ फ्रेंड्स 7:30 का टाइम होगा। तो अभी चलिए फ़िलहाल मैं उठ चुकी हूँ और थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं घर की। तो यहाँ पर अभी और मोना भी उठ चुकी है मेरी, तो बोल रही मम्मा आज ठंड बहुत लग रही है नहाना नहीं है, मैंने चलो नहाओ मत आप ऐसे स्कूल चले जाओ। तो देखिए आजकल फ्रेंड्स के देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है, ठंड इतनी होने लगी है कि अभी से मेरे रजाइयाँ भारी भारी निकल चुकी हैं देख लीजिएगा, और रात के कपड़े भी छत पर मैंने डाले हुए हैं। और चलिए ब्रश कर लेती हूँ और फिर बाद में जब बच्चे जाएंगे स्कूल तो बस मैं कपड़े वगैरह भी उठा कर ले आऊँगी। तो अभी देखिए मानसी कैसे घूम रही है, तो मैं पेस्ट कर रही थी ना, तो बाद में ना पेस्ट मेरे कुर्ते पे गिर गया था, तो मोना कह रही है मम्मी आपके ना कुर्ते पे पेस्ट गिर गया है। तो चलिए अभी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं
और फ्रेंड्स पता मैं मोटी बहुत हो गई हूँ, तो कुछ बताइएगा सजेशन कि मैं क्या खाऊँ मैं पतली हो जाऊँ। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये मेरा मॉर्निंग का, तो बस मैं नहा ली थी, तो यहाँ पर मतलब फ्रेश वगैरह होके मैं नहा ली थी पहले, तो यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं चाय। और आज ना बच्चे नाश्ता वगैरह नहीं लेके जाएंगे स्कूल, टिफ़िन में नहीं लेके जाएंगे, मतलब टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे स्कूल में, क्योंकि क्या हुआ ना बच्चों की ना चिल्ड्रंस डे शायद पार्टी होगी बच्चों की, इस वजह से मैम ने मतलब लिख के दिया था डायरी में। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को ना ये ब्राउन ब्रेड है बहुत अच्छी होती है, तो बस बच्चों को मैं ना चाय के साथ ये दे दूँगी। तो आज बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आज हम चाय पियेंगे, वैसे चाय पी लेते हैं ज़्यादा, जब मैं चाय पत्ती डाल देती हूँ ना कड़क बना देती हूँ उसको बच्चे कम पीते हैं। तो मैं आपको हाय कर रही हूँ। तो अब मेरा ना फ्रेंड्स आप देखते होंगे अधिकतर कि मेरा शॉल नहीं उतरता है, क्योंकि स्वेटर मुझसे ज़्यादा पहने नहीं जाते हैं सुबह सुबह, और हम लोग घर में रहते हैं तो इतना मुझे आदत भी नहीं है स्वेटर डालने की, तो बस मैं छोटा सा स्टॉल डाल के रहती हूँ। तो देख लीजिएगा, तो फ्रेंड्स मैंने बनाए थे ये गोभी के पराठे। पता मैंने पहले शुरू में मतलब बना के देखे कि अच्छे लगेंगे नहीं, तो मैंने कैसे बनाए थे पता, गोभी का एक फूल लिया और मैंने ना ग्राइंडर में इसको पूरे अच्छे से पेस्ट बना लिया उसका, उसी के अंदर दो टमाटर डाल दिए थे और मतलब हरा धनिया और दो चार मिर्च डाल दी थी, अदरक का टुकड़ा डाल दिया था, उससे काफ़ी इतना अच्छा टेस्ट आया था यकीन करना फ्रेंड्स। फिर मैंने आटे मतलब जितना आपको पराठे खाने हैं उसी के हिसाब से मैंने आटा लिया, मतलब 10-12 रोटियों का आटा लिया, बनाया मैंने उसे मिक्स करके उसको अच्छे से बना लिया। बट गाइस पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, तो मैंने पानी वगैरह नहीं डाला था उसमें, अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो वो जरूर आपके रेसिपी शेयर करूँगी, अब की बार ज़रूर बनाऊँगी, और काफ़ी मतलब बहुत टेस्टी लगे थे पराठे, अच्छे लगे थे। तो चलिए यहाँ पर बना लेती हूँ मैं सब्ज़ी फ्रेंड। तो ये है मेरा मॉर्निंग का फ्रेंड्स, बच्चे मतलब स्कूल जाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। फिर से मिक्स सब्ज़ी आ गई है मेरी, तो सुबह सुबह बच्चे आजकल क्या, तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर सेम आलू की सब्ज़ी, क्योंकि सेम बच्चे मानसी को बहुत पसंद है, मानसी बोल रही मम्मी सेम की सब्ज़ी बनाना। और कुछ मटर रखी थी मेरे पास, तो बस उसको मैं इसमें डाल दिया है हल्का सा पानी डाल के, और बस इसको ढक दूंगी मैं लिड से। तो उधर मेरी चाय रखी हुई बनी हुई है। जाने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे ना मुमेर देवर हैं, तो हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड कहीं मतलब कहीं गए हुए थे इस वजह से ना, तो फिर लेट हो जाते, बच्चों का टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो ये छोड़ के आ जाएंगे। पास में ही ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, तो अगर मैं जाती तो फिर मुझे घर का थोड़ा काम ना लेट मतलब दिक्कत हो जाती है इस वजह से। तो चलिए फाइनली बच्चे चले गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने जो अपनी सब्जी वगैरह छोड़ दी है, देख लीजिएगा सब्जी में बना रही हूँ सेम आलू की सब्जी और मटर की सब्जी, देखिएगा। तो बस धीमी आंच पे बनती रहेगी। तो मैंने अपनी चाय गर्म कर ली है और मैंने बनाए थे गोभी के पराठे और एक ब्रेड ले ली है। तो चलिए पहले फ्रेंड्स नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बच्चे आ जाएंगे, और अभी मुझे क्लीन वगैरह भी करना है, और आज मेरा ट्राइपॉड बड़ा हिल रहा है, तो चलिए बहुत जोर से भूख लगी है। पता फ्रेंड्स टाइम कितना, अगर 9:30 हो गए, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं, और आज दिन है फ्रेंड्स मंडे का, और डेट क्या होगी आज, डेट है 14 नवंबर, और फ्रेंड मंडे का दिन है, तो हस्बैंड कहीं जा रखे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं और मिलती हूँ आपको। प्लीज पहली बार विजिट जो चैनल पर करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आप भी आ जाइए फटाफट से नाश्ता करने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। ये देख लो फ्रेंड्स, फिर जीतू उठा के लिए आया है डॉगी, माही ने कैसे कट कर करके दी है इसको, नहीं खाना है, खाओ इसको, चलो जल्दी से जल्दी खाओ, पेडिग्री नहीं खाएगा वो, और माँ ही ने भी अपना नाश्ता यहाँ रखा हुआ है। ये देख लो गोल गोल काट के डोगी को खिला रहे हैं। 8:30 बजने वाले हैं, 8:30 बजे में थोड़ी सी अभी मिनट बाकी, और देख लीजिएगा मौसम आज खराब है, देहरादून का काफ़ी मौसम खराब है आज, अच्छा मौसम नहीं है। पेडिग्री नहीं खाएगा वो, पहले ये खिला दो दूध ब्रेड उसको, पेडिग्री बाद में खाएगा वो, दोनों चीज मिक्स करके नहीं खिलाते हैं बेटा, वो दोनों चीज मिक्स करके खिला रही है माही। माही हो गया बस, रहने दो, अंधेरा सा क्यों आ रहा, ये लाइट भी ना तमाशा करती है, खुद जल जाएगी,
खुद बंद हो जाती है, इसका कोई मतलब वो ही नहीं है। और ये देख लो सफाई करने में लगी है, सुबह से झाड़ू वाड़ू लगाने में लगी है। और ये जैकेट रखी थी, जैकेट बाहर निकाल दी भाभी ने, आज लग रहा है सेल लगाएंगी बाहर। कितने रुपए सेल लगाओगी आज भाभी? 500 रुपए। 500 रुपए सेल लगेगी गाइस आज हमारे घर में। 500 नहीं आज कम करना, फटाफट बिक जाएंगी सारी। और बच्चों के बैग इतने भारी भारी है कि कंधे दुख जाते हैं। और देख लो मेरा ट्राइपॉड फ्रेंड्स खराब हो गया, नीचे की जो वो होती है ना ये वाला साइड, ये हाँ इसके ये निकल गया साइड का, तो लाके कोई फायदा नहीं है। वीडियो बनाने का भी मन नहीं है, तो मैंने कि चलिए फिलहाल अभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल, पापा जी भी सोए हुए हैं अभी, मानसी तैयार होकर फिर दोबारा सो गई। कौन सा व्हाइट वाला? तो अभी मैंने चाय बना ली है यहाँ पे, बस चाय, ज्यादा कुछ नहीं बनाया है, चाय बस और ब्रेड है बस। और ये सब्जी रख दी थी कट करके रात को ही, बस इसमें थोड़े से एक दो ना आलू डालूंगी, आलू डाल के थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो बस बना लेंगे सब्जी। जी तू जल्दी से रेडी हो जाओ, ये लड़का बहुत परेशान करता है सच में। तो फ्रेंड्स बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो लगी मैं थोड़ा सा अपने फिर से रूटीन पे। जी हाँ, तो रूटीन में वही अपना, पहले सोच रही हूँ कि सब्जी बना के रख देती हूँ और फिर अपना नाश्ता वगैरह कर लूँगी बाद में। तो बस मैं सुबह उठ के फटाफट से नहा ली थी, और यही होता ना अगर सुबह हम नहा लेते हैं तो फिर मतलब पूरा दिन थोड़ा सा ये कि नहाने की टेंशन नहीं होती, बट हाँ थोड़ा लेट नहाती हूँ मैं, 10-11 बजे नहाती हूँ, जितनी तबीयत ठीक होती है तो जल्दी नहा लेती हूँ। तो यहीं पर मैं बना रही फिर से सब्जी, अगर क्लिप इधर उधर होगी फ्रेंड्स तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बस सब्जी बना दूंगी और बच्चे आ जाएंगे, मतलब बच्चे जब चले जाते हैं तो मैं सब्जी बना के रख देती हूँ, और जब आते हैं तो आटा मतलब बना के भी रख देती हूँ, और फिर जब बच्चों को खाना होता तभी उस टाइम पर रोटी या पराठा जो भी खाते हैं बच्चे उस टाइम पर मैं उनको बना के दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इसको बना रही हूँ सरसों ऑयल में, तड़का लगा रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और हींग से तड़का लगा दूंगी, और मतलब जो दो लाल मिर्च ले लूँगी, मुझे इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं इसको मैंने डाल दिया, और मैंने आज डाले 3 टमाटर फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने जो अपनी सब्जी वगैरह छोक दी है, देख लीजिएगा सब्जी में बना रही हूँ सेम आलू की सब्जी और मटर की सब्जी, देखिएगा। तो बस धीमी आंच पे बनती रहेगी। तो मैंने अपनी चाय गर्म कर ली है, और मैंने बनाए थे गोभी के पराठे और एक ब्रेड ले ली है। तो चलिए पहले फ्रेंड्स नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बच्चे आ जाएंगे, और अभी मुझे क्लीन वगैरह भी करना है, और आज मेरा ट्राइपॉड बड़ा हिल रहा है, तो चलिए बहुत जोर से भूख लगी है। पता फ्रेंड्स टाइम कितना हो गया? 9:30 हो गए, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं, और आज दिन है फ्रेंड्स मंडे का, और डेट क्या होगी आज? डेट है 14 नवंबर, और फ्रेंड मंडे का दिन है, तो हस्बैंड कहीं जा रखे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, और मिलती हूँ आपको, जहाँ मिलती हूँ आपको जरूर मिलूंगी। तो चलिए, और हाँ प्लीज प्लीज पहली बार विजिट जो चैनल पर करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आप भी आ जाइए फटाफट से नाश्ता करने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे।